खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। गिरिडीह के साइबर डीएसपी संदीप सुमन ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर सशस्त्र बल के साथ साइबर अपराधियों के विरुद्ध बेंगाबाद गांडी थाना अंतर्गत छापेमारी की गई, जहां से साइबर ठगी के साथ साइबर एवं धोखेदारी में संलिप्त 10 साइबर अपराधियों को मौका ए वारदात से रंगे हाथ पकड़ा गया। साइबर अपराधियों के पास मोबाइल फोन, सिम, आधार कार्ड, पैन कार्ड पाया गया। गिरिडीह से संजय कुमार की रिपोर्ट। इसमें दो ऐसे साइबर अपराधी हैं जिनका नाम है जैनुल और मुकेश है। ये दो अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे, जिसमें साइबर का पैसा डाल करके निकासी करके वितरण किया जाता था। ये जो रेड हुआ है, इसमें हमें इनपुट एक बाहर के स्टेट से मिला था, जिसमें पंजाब के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को इन्होंने ठगने का प्रयास किया गया था। वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिली थी और हमने इस रेड को अटेम्प्ट किया था, जिसके बाद इन सभी की अरेस्टिंग हुई। इनमें एक ऐसा भी साइबर अपराधी है जो रांची के एक केस में जिसका नाम आया था, और वहाँ से भी हमें इसके बारे में इनपुट मिला था, और फिर हमने जब रेड किया तो इसके पास से अन्य सबूत हमें प्राप्त हुए और हम इसे भी गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा कि जानते हैं, गिरिडीह जिला काफ़ी साइबर अपराध से ग्रसित रहा है, तो सभी से हम अपील करेंगे अधिक से अधिक साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी साइबर थाना को उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग और अधिक मात्रा में। इसमें से 5 ऐसे अपराधी हैं जिनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रह चुका है। इसमें 2 ऐसे साइबर अपराधी हैं जिनका नाम है जैनुल और मुकेश है। ये दो अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे, जिसमें साइबर का पैसा डाल करके निकासी करके वितरण किया जाता था। ये जो रेड हुआ है, इसमें हमें इनपुट एक बाहर के स्टेट से मिला था, जिसमें पंजाब के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को इन्होंने ठगने का प्रयास किया गया था। वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिली थी और हमने इस रेड को अटेम्प्ट किया था, जिसके बाद इन सभी की अरेस्टिंग हुई। इनमें एक ऐसा भी साइबर अपराधी है जो रांची के एक केस में जिसका नाम आया था, और वहाँ से भी हमें इसके बारे में इनपुट मिला था, और फिर हमने जब रेड किया तो इसके पास से अन्य सबूत हमें प्राप्त हुए और हम इसे भी गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जैसा कि जानते हैं, गिरिडीह जिला काफ़ी साइबर अपराध से ग्रसित रहा है, तो सभी से हम अपील करेंगे अधिक से अधिक साइबर अपराधियों के बारे में जानकारी साइबर थाना को उपलब्ध कराएं, ताकि हम लोग और अधिक मात्रा में रेड करके इन्हें सलाखों के पीछे भेज सकें। और साथ ही और लोगों से अपील होगा कि साइबर अपराधी यदि आपको किसी भी बहाने कॉल करते हैं, किसी फाइनेंशियल डिटेल मांगते हैं, तो कभी भी इनके झांसे में ना आएँ और अपने आप को साइबर अपराध से सुरक्षित रखें।